चलो बहुत बढ़िया बेटा। हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था क्लास 12th का ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जो कि इकोलॉजी का चैप्टर है, जिसमें एक बार हम रिकॉल कर लें क्या क्या पढ़े थे। हमने आपको सबसे पहले बताया सेक्स रेशियो क्या है, मेल के लिए अलग निकाला हमने और फीमेल के लिए अलग निकाला, अंडरस्टैंड। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा बेटा सेक्स रेशियो के बाद बर्थ रेट और डेथ रेट, ठीक है, मोर्टेलिटी, ठीक है ना, और नेटेलिटी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ में हमने एज डिस्ट्रीब्यूशन बताया तीन तरीके का, कौन कौन, एक्सपेंडिंग, डिक्लाइन और कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पॉपुलेशन डेंसिटी पढ़ा, ठीक है ना, और पॉपुलेशन डेंसिटी में हम लोगों ने इक्वेशन भी सॉल्व की, ठीक है ना। एन इज पॉपुलेशन डेंसिटी, एन टी प्लस वन इज इक्वल टू एन बर्थ रेट प्लस इमाइग्रेशन माइनस डेथ रेट प्लस इमिग्रेशन, ठीक है ना, जो कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी बताती है, ठीक है। आज का हमारा जो नया टॉपिक है बेटा, उसमें हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, मींस लाइफ हिस्ट्री ऑफ वेरिएशन, ठीक है ना। देखो लाइफ हिस्ट्री एंड वेरिएशन से मतलब क्या है, बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा। इस लेक्चर को प्लीज़ पूरा देखिएगा और 100% आपको समझ में आएगा। देखो लाइफ एंड वेरिएशन, जिसे हम लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन कह रहे हैं, मान लीजिए ये कोई स्पीसीज है, ठीक है, नाउ इसका नाम दे देते हैं ए स्पीसीज, ठीक है। तो यहां पर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डार्विन, आपने डार्विनिज्म पढ़ा होगा, डार्विन्स थ्योरी पढ़ा होगा। इनका एक तात्पर्य यहां पर ये था, मोटिव ये था लाइफ हिस्ट्री को लेकर के, कि कोई भी सेल अगर अर्थ पे आई है तो किस तरीके से वो एडाप्ट करे, राइट, और आफ्टर एडाप्टेशन वो अपने आप को सर्वाइव करे नेचर में, ऐसा डार्विन ने बताया। लेकिन इसके दो कॉन्सेप्ट थे। पहला कॉन्सेप्ट ये था कि बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी हैं जो इवॉल्व कर रही टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस, अकॉर्डिंग टू देयर रिप्रोडक्टिव की बात हो रही है। जैसे स्पीसीज एक हमने बताया, सम स्पीसीज दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल बट स्मॉल इन साइज। बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं बेटा जो बहुत रिप्रोड्यूस करने के बाद वो जो इंडिविजुअल है बेटा, वो जो इंडिविजुअल है उसका क्या होगा, स्मॉल नंबर होगा और लार्ज साइज होगा, जैसे बर्ड्स हैं, ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट हैं जो जो भी रिप्रोडक्शन करते हैं उनके द्वारा जो प्रोजनी होते हैं उनका नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा, बट साइज क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन इसी के रिवर्स में अगर देखें, दूसरी स्पीसीज अगर बी है तो इनका जो रिप्रोडक्शन रेट होगा वो नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम होंगे बट साइज बड़ा होगा। जैसे ह्यूमन बेस्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं मैमल का, वो बात अलग है कि वो रिप्रोडक्टिवली फिट है, और तभी इसने कहा कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म हिस्ट्री में रिप्रोडक्टिवली फिट है तो वो हिट है, अदरवाइज वो डिलीट है। नेचर में अगर आपको रहना है तो अपने आप को फिट रखना पड़ेगा, और ये रिप्रोडक्टिव फिटनेस का बड़ा सटीक एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जो अपनी होल लाइफ में केवल एक ही बार रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बाम्बू, बांस जो है, ग्रास, लार्जेस्ट ग्रास ऑन द अर्थ, ठीक है ना, वो लाइफ में एक बार फ्लावरिंग करती है, कहने का मतलब 50 साल के बाद। एक और एग्जाम्पल है जैसे बनाना, मोनोकार्पिक प्लांट है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन नीट में भी
और बोर्ड में कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोनोकार्पिक प्लांट, तो आपको बनाना बताना होगा। मोनोकार्पिक का मतलब लाइफ में केवल एक बार जिसमें फल आए उसे मोनोकार्पिक कहा जाता है, जिसमें दो बार आए बाइकार्पिक और देन पॉलीकार्पिक, ठीक है ना। तो यहां पर तीन कॉन्सेप्ट हमने बताया, लाइफ में एक बार रिप्रोडक्शन करें, और अगर करें तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज्यादा हो, और नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज्यादा होंगे तो साइज ऑलमोस्ट स्मॉलर होगा, जैसे कॉकरोच है, ठीक है ना, हंड्रेड्स ऑफ एग प्रोड्यूस करता है लेकिन साइज छोटा छोटा है। जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी में हमने बताया एक एरिया है, उस एरिया में एक बरगद का पेड़ है, तो एक ही बरगद का पेड़ 100 मीटर की एरिया को कवर कर रहा है, लेकिन उसी में ग्रास के प्लांट हजारों हैं बट बहुत मिनिमम स्पेस को कवर कर रहे हैं। तो यहां तीन कॉन्सेप्ट हुए, एक वो जो लाइफ में एक बार रिप्रोडक्शन करते हैं, एक वो जो रिप्रोडक्शन करते तो हैं लेकिन नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम रिलीज करते हैं और साइज उनका क्या होगा ज्यादा होगा, और एक वे जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज्यादा रिलीज करते हैं बट साइज ऑलमोस्ट कम होगा। और ये होना भी बहुत जरूरी है। अगर कांकरोच, मान लीजिए एक कांकरोच ने 100 अंडे दिया, तो 100 अगर बड़े बड़े हो जाएंगे तो नेचर में एग्जिस्ट कैसे कर पाएंगे, इसलिए उनका मरना भी जरूरी है। यही कारण है कि आज इंसेक्ट इतना ज्यादा है हमारी अर्थ पे, और नेचर ये कह रहा है कि आप इंसेक्ट को कभी खत्म नहीं कर सकते, और आने वाले कुछ दशक में ऐसा बताया जा रहा है कि इतना ज्यादा इंसेक्ट की पॉपुलेशन हो जाएगी कि यहां एक कॉकरोच खड़ा होगा यहां 10 कॉकरोच पढ़ रहे होंगे, इतना ज्यादा वैरायटी है इसमें, इंसेक्टों को भी आप खत्म नहीं कर सकते हैं। दिस कॉन्सेप्ट डिले टू हिस्ट्री वेरिएशन, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन की। देखो पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या है बेटा, बड़ा अच्छा टॉपिक है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। पॉपुलेशन इंटरेक्शन का मतलब यह होता है, जैसे मान लीजिए बेटा कोई एक स्पीसीज है, बहुत ध्यान से समझना है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। एक क्वेश्चन है आपसे, हम पूछ रहे हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन, अगर हम आपसे कहें यह एक एरिया है और इस एरिया में ग्रास लगी हुई है, बात समझ में आ रही है, ग्रास मीन्स घास लगी हुई है, और यहां पर एक एनिमल है जिसका नाम है गोट, और एक एनिमल है जो है काऊ, और एक दूसरा एनिमल है जो है ह्यूमन, तीन एनिमल हैं। ध्यान रखना पॉपुलेशन इंटरेक्शन का मतलब यह होता है कि कोई भी जाति का एनिमल या ऑर्गेनिज्म आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट करें या एक दूसरे से, एक दूसरी स्पीसीज से इंटरैक्ट करें। अब ये घास है लेकिन इसका टारगेट भी है घास को खाना, और इसका टारगेट भी है घास को खाना, तो इस घास के लिए दोनों एक ही इंडिविजुअल, हालांकि स्पीसीज अलग अलग हैं, बात समझ में आ रही कि नहीं, स्पीसीज अलग अलग हैं बट दोनों का टारगेट है इस घास को खाना, इसलिए दोनों स्पीसीज आपस में इंटरैक्ट करेंगी, लड़ेंगी, बात समझ में आ रही है। क्यों? क्योंकि भाई हमको भी खाना है, हमको भी खाना है, डिफरेंट स्पीसीज हुई। लेकिन अगर यहां पर एक दूसरी काऊ होती तो इसका भी टारगेट था इसको खाना और इसका भी टारगेट था इसको खाना, मतलब एक ही स्पीसीज के बीच इंटरेक्शन हो सकता है और दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच इंटरेक्शन हो सकता है, बात समझ में आ रही। लेकिन अगर इस, मान लीजिए एक प्लांट है उसमें मैंगोज लगे हुए हैं, तो इसका भी टारगेट है मैंगो को खाना और एक बंदर है उसका भी टारगेट है मैंगो को खाना, मतलब कहीं ना कहीं अर्थ पर जो आपको बताया गया अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर में कि 1.8 मिलियन स्पीसीज एंटायर ऑन द वर्ल्ड, हर एक स्पीसीज का इंटरेक्शन किसी ना किसी जात से हो ही जाता है, बात समझ में आ रही। दिस इज पॉपुलेशन इंटरेक्शन।
अब इसको हम एक डायग्रामेटिक तरीके से समझते हैं कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन को और बेहतर कैसे समझाया जा सकता है। पॉपुलेशन इंटरेक्शन का मतलब यह बिल्कुल नहीं होता कि एक दूसरे के बीच में किसी को समय के अकॉर्डिंग हानि हो या समय के अकॉर्डिंग नुकसान हो। इंटरेक्शन यही बताता है, या तो दोनों का फायदा होगा या तो दोनों का नुकसान होगा, या तो एक का फायदा एक का नुकसान, या तो एक का फायदा एक को कोई नुकसान नहीं, या तो एक का नुकसान दूसरे को कोई नुकसान नहीं और ना ही फायदा। अब कैसे हम इस चीज को समझ सकते हैं? सबसे पहला एग्जाम्पल यहां पर दिया गया है म्यूचुअलिज्म का। यहां पर आप देख रहे हैं टेबल में कुछ साइन प्लस के हैं और कुछ साइन मिटा माइनस के हैं और कुछ साइन जीरो के हैं। थोड़ा इंडिकेट कर दे, प्लस का मतलब यह होता है कि उस स्पीसीज को पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा, मतलब स्पीसीज शुड बी बेनिफिटेड। और माइनस का मतलब है स्पीसीज को निगेटिव फीडबैक मिलेगा, मीन्स स्पीसीज शुड बी हार्मलेस, स्पीसीज को हार्म होगा, नुकसान होगा। जीरो का मतलब है नाइदर बी हार्म और नॉर बी बेनिफिटेड, उस स्पीसीज को ना तो नुकसान होगा ना तो फायदा होगा। यह हम इस तरीके से समझते हैं। जैसे यहां पर आप म्यूचुअलिज्म कह रहे हैं, म्यूचुअलिज्म का मतलब म्यूचुअल एसोसिएशन ऑफ दो इंडिविजुअल डिपेंडिंग टू ईच अदर। कोई भी ऐसी स्पीसीज जो एक दूसरे पर निर्भर हो, एक दूसरे पर निर्भर हो और दोनों को क्या हो, फायदा हो। जैसे लाइकेन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म। क्लियर हो गया? ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नीट में पूछा गया लाइकेन्स। लाइकेन्स इज द म्यूचुअल एसोसिएशन ऑफ एल्गल कंपोनेंट एंड फंगल कंपोनेंट। बोलो भाई, एल्गी का मेन काम है प्रिपरेशन ऑफ फूड और फंगस का मेन काम है प्रोवाइड द शेल्टर। बात समझ में आ रही है? मींस एल्गी क्या करेगी, फूड प्रिपेयर करेगी और फंजाई क्या करेगी, उसको रहने के लिए स्पेस देगा। दोनों को फायदा है। यस नो? दोनों को फायदा है। यह एग्जांपल क्या है? म्यूचुअलिज्म कहलाता है। इसलिए हमने अलग अलग स्पीसीज, बोलो भाई, एल्गल एक कंपोनेंट स्पीसीज अलग है, फंगल एक कंपोनेंट स्पीसीज अलग है, इसीलिए हमने एक स्पीसीज का नाम ए दिया और दूसरी स्पीसीज का नाम बी दिया। दैट इज लाइकेन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म। क्लियर हो गया? म्यूचुअलिज्म का दूसरा एग्जांपल एक और बताते हैं कॉमन लैंग्वेज में। जैसे आपने देखा होगा बफेलो है, ठीक है ना, बफेलो बफलास भैंस है। और आपने अक्सर देखा होगा कि भैंस रेस्टिंग टाइम पीरियड में, रेस्टिंग टाइम पीरियड का मतलब जब वो एक तरीके से चारा खा लेती है उसके बाद वो ग्रेजिंग करती है। ग्रेजिंग का मतलब पगुराना, वो ग्रेजिंग करती है जिसे हम जुगाली कह देते हैं हिंदी में, और वो पेड़ के नीचे छाया में बैठ के मुंह चलाया करती है। बात समझ में आ रही? स्पीसीज नंबर ए। और एक दूसरी स्पीसीज आती है क्रोवस, कौवा, उस भैंस के कान के ऊपर बैठ जाता है। यह एग्जांपल रमेश गुप्ता का है और यह जो लाइकेन बताया हमने यह एनसीईआरटी का एग्जांपल है, रमेश गुप्ता जो यूपी बोर्ड की आती है। बात समझ में आ रही ना? तो यहां पर भैंस के कान पे क्या हुआ, एक कौवा बैठा, आपने देखा होगा। अब कौवे का टारगेट क्या है, फूड लेना, खाना खाना। तो भैंस के कान से जो एक्सिटी प्रोडक्ट निकल रहा है, कौवा क्या करता है, उसको निकाल के खा लेता है। तो आप यहां पर देखिए, कौवे स्पीसीज का पेट भर रहा है और भैंस का एक तरीके से क्लीनिंग ऑफ एयर हो रहा है, कान साफ हो रहा है। बोथ स्पीसीज आर बेनिफिटेड, यस नो? दोनों का फायदा हो रहा है ना। यह भी एक बेस्ट एग्जाम्पल है म्यूचुअलिज्म का। अंडरस्टैंड? दूसरा बात करते हैं कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब यहां माइनस का मतलब अभी हमने बताया शुरुआत में, यह बिल्कुल नहीं होता कि स्पीसीज पूरी तरीके से विलुप्त हो जाए, लेकिन हां अगर यह होता रहेगा तो अकॉर्डिंग टू म्यूटेशन धीरे धीरे विलुप्त जरूर होगी।
मींस दोनों स्पीसीज के बीच में हार्म्स होंगे. फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ह्यूमन है, उदाहरण के तौर पर दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, ध्यान रखना, दैट इज कॉल्ड कंपटीशन. ह्यूमन है, ह्यूमन हमारा टारगेट, आपका टारगेट, दुनिया भर के जितने बच्चे हैं सबका टारगेट क्या है? नौकरी लेना. क्लियर है ना? लेकिन मान लीजिए वैकेंसी किसी भी पोस्ट के लिए एक है, अंडरस्टैंड, वैकेंसी एक है और लड़ने वाले दावेदार 1000 हैं, तो सबका टारगेट क्या होगा? उस वैकेंसी को अडॉप्ट करना. तो यहां पर देखिए कंपटीशन एक ही स्पीसीज के बीच में हो रहा है. एक ही स्पीसीज के बीच में अगर कंपटीशन हो रहा है तो जाहिर सी बात है नुकसान हो सकता है. कभी कभी ऐसा भी चांस आता है कि गोलियां चल जाती हैं, आपस में ही लोग मर जा रहे हैं. अंडरस्टैंड? दूसरा इसी का एग्जांपल, एक मैदान है, फील्ड है, क्लियर है ना, और इसमें ग्रास लगी हुई है, ये ग्रास लगी हुई है, और उसी मैदान में गाय भी है, भैंस भी है, बकरी भी है. तो बकरी का टारगेट घास खाना, गाय का भी टारगेट घास खाना, मतलब कैटल्स इसका बेस्ट एग्जांपल है. दोनों का एक टारगेट है बेटा उस घास को खाना, इसलिए आपस में दोनों गाय, आपस में दोनों भैंस, आपस में दोनों बकरियां लड़ जाएंगी. जो पहले कंपटीट कर पाए उसी को वो चीज क्या होगा? मिल जाएगी. इसीलिए हमने पहले ही कहा अपने आप को हिट करना पड़ेगा. जो नेचर के अकॉर्डिंग हिट होगा वो फिट हो जाएगा, है ना, और अदरवाइज जो हार गया वो एक समय ऐसा आएगा कि डिलीट हो जाएगा, मींस मर जाएगा. तो स्पीसीज का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? अंडरस्टैंड? तो इसका बेस्ट एग्जांपल कैटल्स है. क्लियर हो गया? तीसरा एग्जांपल बेटा है प्रिडेशन. प्रिडेशन में क्या होगा? एक स्पीसीज को बेटा बेनिफिट होगा बट दूरी दूसरी स्पीसीज को हार्म होगा. जैसे हमने कहा यही एक मैदान है, यही एक एरिया है, और इस एरिया में एक बकरी भी है और घास भी है, और यहां पर एक बेटा लायन भी है, पेंथरा लियो. तो आप देखिए यहां पर बकरी का उद्देश्य होगा घास खाएं, क्लियर है ना, और शेर लायन का उद्देश्य होगा बकरी खाएं. तो यहां पर देखिए लायन क्या करेगा? बकरी को खत्म कर देगा कि नहीं? तो इस स्पीसीज को हार्म हुआ और इस स्पीसीज को बेनिफिट हुआ. दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रेडेशन. बात समझ में आ रही ना? मींस एक जाति को फायदा हो रहा है और दूसरी जाति को नुकसान. दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए कमरा है, इस कमरे में एक लिजर्ड है, वॉल लिजर्ड है, छिपकली है, और दूसरा एक इंसेक्ट बैठा हुआ है. तो इंसेक्ट उस छिपकली का क्या हो जाता है बेटा? भोजन हो जाता है. और भोजन इतना अच्छा कि वो हम कह सकते हैं एक पैरासाइट के रूप में काम करता है. तो यहां पर ये भी हम कह सकते हैं होस्ट और पैरासाइट. हालांकि पैरासाइट और होस्ट का एग्जांपल अगर हम पैरासिटिज्म में लें तो और बेहतर होगा. इसलिए पैरासाइट का नाम हम प्रेडेशन में नहीं ले सकते यहां पर. हां, डिपेंड है ना उसके ऊपर, इसलिए हम पैरासाइट का नाम वहां नहीं ले सकते. इसीलिए आप देखिए इन दोनों में साइन सेम है, क्योंकि इसमें शेर बकरी पर डिपेंड है, डियर पर डिपेंड है, या किसी भी एनिमल पर डिपेंड है. शेर कभी घास पे डिपेंड नहीं हो सकता. अंडरस्टैंड? अंतर यह है कि यहां पर एक को इतना फायदा होगा और दूसरे को 100% नुकसान होगा. लेकिन यहां पर यह है, यहां भी वही कंडीशन है, नुकसान होगा और बेनिफिट होगा. बट अंतर इसका माइन्यूट ये है कि ये बेटा डिफरेंट स्पीसीज के बीच हो सकता है और ये डिफरेंट और सेम दोनों के बीच हो सकता है. ये इसका अंतर है.
क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट बात करते हैं पैरासिटिज्म में। अब आपने अंतर की बात कही तो एक और एग्जाम्पल देते हैं हम पैरासिटिज्म में। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, एक को कह देते हैं पैरासाइट और दूसरे को कह देते हैं होस्ट। यस नो मान। लेकिन अभी हमने ऊपर इसके जो एग्जाम्पल पढ़ा दैट इज प्रेडेशन, उसमें हम पैरासाइट और होस्ट का नाम नहीं लिए। जैसे मान लीजिए ह्यूमन है, तो ह्यूमन स्पीसीज के अंदर एक इंडो पैरासाइट है टीनिया सोलियम। बोलो भाई, टीनिया सोलियम जो कि क्या है, एक प्रकार का प्लेथी हेलमेंथीस है। तो टीनिया सोलियम एक इंडो पैरासाइट है कि नहीं? टीनिया सोलियम ह्यूमन के एलिमेंट्री कैनाल में रह करके फूड ले रहा है। बोलो भाई, तो उस फूड ले रहा है, उसको फायदा हो रहा है कि नहीं? और जिसको फायदा हो उसे हम कह देते हैं पैरासाइट। बोलो भाई, क्या कह देते हैं? पैरासाइट। लेकिन यहां पैरासाइट तो नहीं कह रहे थे, बात समझ में आ रही ना? और जिसको नुकसान हो उसे हम कह देते हैं होस्ट। बोलो भाई, हमें नुकसान हुआ तभी तो एक बीमारी क्रिएट हुई, दैट इज कॉल्ड टीनिएसिस। क्लियर हो गया ना? दूसरा एग्जाम्पल, ह्यूमन है और एक पैरासाइट बाहर से आया, मॉस्किटो, लीच, किसी की बात कर लो। सबका उद्देश्य है हमारी बॉडी से फीड करना इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। मच्छर ने हमारी बॉडी से ब्लड लिया, उसका फायदा हुआ लेकिन हमें नुकसान हुआ, इसलिए यहां पर हम पैरासाइट और होस्ट का नाम लेंगे। यह केवल पैरासिटिज्म में ही कंसीडर किया जाएगा। क्लियर हो गया ना? बस जिसको फायदा हो वो पैरासाइट हो जाएगा और जिसको हार्म हो वो होस्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। इसमें एक स्पीसीज को फायदा होगा, दूसरी स्पीसीज को नाइदर बी हार्म और नॉर बी बेनिफिटेड। मींस उसको ना तो फायदा हुआ और ना तो नुकसान हुआ, बट यहां पर स्पीसीज नंबर वन को क्या होगा? फायदा 100% होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन है आप सभी लोगों से, और अगर वो क्वेश्चन पता हो तो हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन भी है और इसका एग्जाम्पल भी है। आप इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन है हमारा जो नीट 2000 आई होप 12 या 9 में पूछा गया था कि वह प्रोडक्ट का नाम बताना है। मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से समझिएगा। हमने कहा कॉमेंसलिज्म का एक क्वेश्चन भी हो सकता है और एग्जाम्पल भी हो सकता है। एक ऑर्गेनिज्म है, एक ऑब्जेक्ट है जो जापान में मैरिज के टाइम में मैरिज गिफ्ट के रूप में कपल्स को दिया जाता है। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। जापान में जब किसी की शादी होती है, वो ऑब्जेक्ट उस कपल्स को गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। ये कॉमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है और उदाहरण भी है। मींस क्वेश्चन के रूप में जो आपके साथ काम कर रहा है, ये आपको बताना होगा वो क्या है। और मैं हिंट दे रहा हूं, क्लास 11th में एनिमल किंगडम में पढ़ाया जाता है यूप्लैटेला। बहुत अच्छे, लेकिन आपको दोनों नाम बताने होंगे, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और 100% ये नीट का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने पूछ दिया यहां पर। तो ये आपका क्वेश्चन भी है और इसका एग्जाम्पल भी है। क्लियर हो गया ना? दूसरा एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देते हैं बेटा। एक है सी एनिमोन, एनसीईआरटी का है। सी एनिमोन है जिसमें मछली फिश रहती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हम आपको समझा रहे हैं, एक पोरीफेरा का एनिमल ले लेते हैं, अंडरस्टैंड, पोरीफेरा। और यह क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना होगा। एक पोरीफेरा का एग्जाम्पल ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड साइकॉन या ल्यूकोसोलोनिया। क्लियर है ना?
तो ये ल्यूकोसोलोनिया है, उसके पूरे बॉडी पर भाई पोर है कि नहीं है। अब मान लीजिए ये वाटर है, वाटर से कोई भी एनिमल इसकी बॉडी के अंदर इंटर कर सकता है कि नहीं, बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड कैनाल सिस्टम। वाटर के द्वारा ऑस्टिया में 100% इंटर कर सकता है कि नहीं। अब देखो दैट इज कॉल्ड वाटर करंट, जो कि तीन तरीके से पूछा गया, ल्यूकॉन टाइप, एस्कॉन टाइप और साइकॉन टाइप, ठीक है ना। अब यहां पर ये कोई माइक्रोब्स है इस ऑस्टिया के द्वारा एनिमल के अंदर इंटर किया कि नहीं, लेकिन मान लीजिए बाय डिफॉल्ट वो बाहर ऑस्कुलम के द्वारा नहीं निकल पाया, तो उस एनिमल को, हालांकि ऐसा एनसीईआरटी में नहीं बताया गया कि ये इसी का एग्जांपल है, लेकिन हम आपको 100% बता रहे हैं कि हां ये सी एनिमोन का ही एग्जांपल है। क्लियर हो गया ना। तो ये बताना चाह रहे हैं कि एनिमल इस बॉडी के अंदर रह गया। अब आप बताइए वो एनिमल जब बाहर नहीं निकल पाएगा तो लाइफ टाइम इस साइकॉन के बॉडी के अंदर स्पॉन्जियोसील में रहेगा कि नहीं रहेगा। तो यहां पर आप देखिए जो इसके अंदर स्पीसीज आई है वो फिश हो सकती है, कोई माइक्रोब्स हो सकता है, बोलो भाई उसको फायदा हुआ कि नहीं हुआ, फूड मिल रहा है ना। लेकिन जो दूसरी स्पीसीज है उसको ना तो फायदा ना तो नुकसान, क्या दिक्कत है, पड़ा रहेगा लाइफ टाइम इसी के अंदर। इसीलिए हमने अभी बताया कि उस प्रोडक्ट को जापान में गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। और हिंट मैं फिर दे रहा हूं, एनिमल किंगडम क्लास 11 एनसीईआरटी में मिलेगा कि इसीलिए इसे गिफ्ट के रूप में दिया जाता है कि जीवन पर्यंत दोनों ऑर्गेनिज्म एक साथ जीवन पर्यंत लाइफ एंजॉय करते हैं, इसलिए दोनों कपल्स एक साथ पूरे जीवन भर रहे, ये हमारी कामनाएं हैं, इसलिए इसे गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। बात समझ में आ रही ना। तो फूड एब्जॉर्ब किया महाराज तो वो हमने बोला ना वो प्लस में चला गया तभी तो फायदा हुआ, लेकिन वो फूड इससे तो रीएब्जॉर्ब कर रहा है, उतने ही प्रोडक्ट बाहर से आ भी तो रहा है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, क्या दिक्कत पड़ा रहेगा, कौन नुकसान हो रहा है, बाद में देख लिया जाएगा। क्लियर हो गया ना, है ना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम, लास्ट एमिनेंसलिज्म। एमिनेंसलिज्म में क्या होगा, एक को नुकसान होगा तो दूसरे को ना तो नुकसान और ना तो फायदा। इसका एनसीईआरटी का बेस्ट एग्जांपल है पेनिसिलिन बैक्टीरिया, पेनिसिलिन एंड बैक्टीरिया। पेनिसिलिन क्या करता है, एट दैट रिएक्शन पेनिसिलिन उस बैक्टीरिया को क्या करेगा बेटा, खत्म कर देता है, बोलो भाई पेनिसिलिन उस बैक्टीरिया को खत्म कर देता है, बोलो भाई क्या हुआ, डिलीट हो गया, चलो कोई बात नहीं। हमने कहा पेनिसिलिन और बैक्टीरिया, यहां आप देखो एक स्पीसीज को क्या हो रहा है, ना तो नुकसान ना तो, लेकिन ये स्पीसीज बेचारी डेथ को जा रही है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है। बात समझ में आ गई। तो टुडे इज ऑल अबाउट टॉकिंग दैट दिस टॉपिक, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर आपके सामने लाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपको लेक्चर टच कर रहा है तो चैनल को करिए सब्सक्राइब और हमें दीजिए कमेंट और लाइक। बहुत बहुत धन्यवाद।